दमोह नगर में गिफ्ट आइटम मिलने का परफेक्ट स्थान। जी हाँ, दमोह में स्थित परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, जहाँ पर आपको मिलेंगे चश्मे, बेल्ट, खिलौने एवं वे सभी गिफ्ट आइटम जो आप खरीदना चाहते हैं। तो आइए एक बार जरूर पधारें परफेक्ट गिफ्ट सेंटर, श्री होटल के सामने, जिला अस्पताल घंटाघर मार्ग, दमोह। माँ, मेरे ऑफिस के पेपर्स कहाँ हैं? दादी, आप मेरी चीजें क्यों छेड़ती रहती हैं? रूही, ये क्या तमीज है? Say sorry to दादी। Sorry। Thank you, मोहिनी। Thank you, मोहिनी। मोहिनी एवरग्रीन टी, स्वाद जो दिल चाहे। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। केरल की घटनाओं के विरोध में धरने पर बैठे सैकड़ों लोग, मानवाधिकार समिति की ओर से धरना के बाद दिया गया ज्ञापन। घड़ाकोटा रहस्य मेला का होगा गुरुवार से भव्य शुभारंभ, मेला आयोजन के पहले तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। तीर्थदर्शन योजना में फर्जी तरीके से भेजा जा रहा यात्रियों को, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष ने मिलीभगत का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी ने बिजली की कीमतों पर आवाज की बुलंद, दिल्ली की कीमतों से तुलना कर दमोह में सौंपा गया ज्ञापन। और दमोह में पंचकल्याणक महोत्सव में तप कल्याणक की हुई क्रियाएं, आचार्य आर्जव सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। केरल में लगातार हिंदू समुदाय पर हो रही घटनाओं के बाद देश के अन्य राज्यों में रहने वाले हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं, जिसको लेकर 1 मार्च दिन बुधवार को दोपहर में 2 बजे से स्थानीय अम्बेडकर चौक पर एक धरना दिया गया, जिसमें मानवाधिकार समिति के बैनतले हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के साथ अन्य लोगों ने एकत्रित होकर केरल की घटनाओं की रोकथाम के साथ वहां पर घट रहे घटनाक्रम पर अंकुश लगाने मांग की। देर तक चले धरने के बाद कोतवाली में जाकर एक ज्ञापन SDM नंदलाल सामरत को सौंपा गया। वहीं धरना के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग धरना स्थल पर घटना के बारे में विस्तार से अपनी बात कहते नजर आए। नहीं है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि केरल में इस प्रकार की हो रही निंदनीय घटनाओं को रोका जाए, और अगर नहीं रुकती तो केरल में CPM की सरकार हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। बहनों और भाइयों, तभी हम सब स्वयंसेवकों के साथ, हम सब कार्यकर्ताओं के साथ न्याय होगा। निश्चित रूप से हम सब आगे हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाए। जो देशद्रोह का षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है, उसको नेस्ता नाबूद करने का काम हम सबको करना है। भारत का भूगोल तड़पता तड़प रहा इतिहास है, तिनका तिनका तड़प रहा है, तड़प रही है श्वास है, सिसक रही है सरहद सारी, माँ के छाले बहते हैं, ढूंढ रहा हूँ किन गलियों में अर्जुन के सुत रहते हैं, गली गली और चौराहों पर फिर आवाज लगाता हूँ, मन का गायक रोता है पर मजबूरी में गाता हूँ। अभी जो धर्मेंद्र जी ने विचार रखे, बहुत अच्छे विचार रखे, सच ही कहा है। सैकड़ों हजारों वर्षों में वीर कोई एक पैदा होता है, वह लिखा लिखाया इतिहास नहीं पढ़ता, वह खुद इतिहास बनाता है। वह लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं, वह मात्र ऐसा नहीं कि हम सबको जानकारी में है, संपूर्ण विश्व इस घटनाओं की ओर देख रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं घट रही है, ये घटनाएं उन राष्ट्रवादियों पर प्रहार हो रहा है जो राष्ट्रवादी इस भारत माता को और अपने तन मन धन देकर, तिल तल जीवन देकर और अपने खून को पसीना बनाकर और सजने संभालने का काम कर रहे हैं। दमोह संसदीय क्षेत्र की रेहली विधानसभा क्षेत्र के गड़ाकोटा में अनेक सालों से लगातार आयोजित हो रहे रहस्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। 2 मार्च से आयोजित होने वाले मेले में हर साल ही हजारों लोग आकर मेले का आनंद उठाते हैं। मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस आयोजन में युवा नेता अभिषेक दीपू भार्गव पूरी व्यवस्थाओं का निर्देशन करते हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ के पहले यहां पर बुधवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता रहा। Yeah.
माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से बोर्ड परीक्षा का आयोजन 1 मार्च से शुरू किया गया। इस दौरान जहां बोर्ड की नियमावली के अनुसार कलेक्टर के निर्देश के बाद परीक्षा को संचालित करने के लिए कमेटी का गठन कर तथा दस्तों का निर्माण करते हुए परीक्षाओं का संचालन किया गया। वहीं परीक्षा के पहले दिन कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों से हिंदी का पर्चाहल कराया गया, जहां दमोह जिला मुख्यालय पर परीक्षा आयोजित कराई गई। वहीं पूरे जिले में निर्धारित सेंटरों में भी परीक्षा आयोजित कराई गई। वहीं गड़ाकोटा में भी परीक्षाओं का दौर चलता रहा। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना को अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। यह आरोप नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष राजकिशोर चौहान राशु ने लगाया है। नगरपालिका के सहयोग से दमोह नगर के लोगों को तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जाता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करते हुए पात्रों के स्थान पर अन्य लोगों को योजना के तहत तीर्थ यात्रा पर भेज दिया जाता है। यदि इस पर लगाम नहीं लगी तो वे शिकायतों के साथ सुधार नहीं होने पर आंदोलन करने विवश होंगे। तो इसकी सहायक मुखिया ये माने जाएंगे, सहायक नहीं माने जाएंगे, जबकि सहायक में अपात्र है। ये अपात्र घोषित है इनमें, है ना, लेकिन उनको दिया गया सहायक। जो 60 साल के लोग हैं वो सहायक बन रहे हैं, उनको कुछ चाहिए, लेकिन उनके नाम सहायक में आ रहे हैं। इसी प्रकार से ये लोग जो आईडी इनके लिए दी गई है, समग्र आईडी पोर्टल दिया गया है कर्मचारियों को नगर पालिका में, कि आप लोग इनकी फीडिंग करें। अब ये बेचारे कहाँ से फीडिंग करें, विक्रम के वार्ड के इंदौर में खुल रही आईडी उनकी, पुराना मैटर है। जो ऐसे कितने लोगों को कहाँ कहाँ भेजा गया होगा, कर दिए गए हैं कि सिर्फ उनको इस योजना में, कोई भी योजना हो, चाहे नर्मदा यात्रा हो, चाहे कोई भी यात्रा हो, कहीं भी हो, उन्हीं बस को भेजा जा रहा है। एक यात्रा में कई कई बार 5-5 बार लोग हो आए, फिर ऑनलाइन कैसी फिटिंग हो रही, किस प्रकार से उनको भेजा जा रहा, क्या एक ही गांव के लोग जाने लायक हैं क्या? इसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसके लिए मैं सीएमओ से चर्चा करूंगा और माननीय कलेक्टर साहब से चर्चा करूंगा कि ऐसा भेदभाव क्यों लोगों के साथ। जिन बुजुर्गों के लिए असिस्टेंट चाहिए है उनको भेजा नहीं जा रहा। इस प्रकार की गलती करने वालों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हम एक आंदोलन करेंगे, जो धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ मिलकर बैठकर चर्चा करकर एक आंदोलन करेंगे। आम आदमी पार्टी की जिला इकाई की ओर से किल्लाई नाका स्थित बिजली कंपनी के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। आपके जिला संयोजक सुनील राय, दिवाकर करमरकर, चंद्रमोहन गुरु के साथ अन्य पदाधिकारियों ने पहुंचकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर दिल्ली से दोगुनी कीमत पर बिजली उपभोक्ताओं को दिए जाने का संगीन आरोप लगाया। आपके लोगों का कहना था कि दिल्ली को जब प्रदेश सरकार बिजली बेचती है तो उसकी कीमत प्रदेश में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की प्रति यूनिट कीमत से आधी होती है। यह प्रदेश की जनता से छलावा किया जा रहा है। प्रदेश की सरकार यह सब कुछ कर रही है। आपके नेताओं ने ज्ञापन देकर कीमत कम करने मांग की। इस तरह से जो एक एवरेज विद्युत खपत आती है मध्य प्रदेश में वो 8000 मेगावाट आती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो कुप्रबंधन है और भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। इस मद्देनजर मध्य प्रदेश में दिल्ली की तुलना में बिजली के रेट आधे होना चाहिए, जबकि चालू वित्त वर्ष में यानी वर्ष 1 अप्रैल 2017 से मध्य प्रदेश सरकार 11 वर्ष बिजली की वृद्धि समस्त श्रेणियों में कर रही है। पार्टी जो विद्युत नियामक आयोग के समक्ष विद्युत कंपनियों ने 11% और मूल्य वृद्धि करने के लिए, बिजली दरों में मूल्य वृद्धि करने के लिए अपनी याचिका लगाई है, उसके खिलाफ में हम लोगों ने अपना प्रतिवेदन दमोह के कार्यपालन यंत्री श्री खुशियाल शिवंशी जी को प्रेषित किया है। उसके माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि जो 11% या और अधिक मूल्य वृद्धि की मांग है उसको वापस ली जाए और मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली होते हुए भी अत्यधिक महंगी बिजली दी जा रही है, जबकि जो मध्य प्रदेश दूसरी कंपनियों को, दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचती है वो 2.5 रुपये में बेचती है। दमोह नगर में इन दिनों धर्म की गंगा में लोग गोते लगा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आचार्य आर्यसागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में
25 फरवरी से 3 मार्च तक श्री मंजीरन पंचकल्याण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बुधवार को तप कल्याण की क्रिया की गई। इस दौरान यहां सुबह से गीत संगीत की धुन पर भक्तों ने झूमते नाचते हुए भगवान की भक्ति की। वहीं दोपहर में तप कल्याण के दौरान आदि कुमार का बैराग तथा वन गमन दिखाया गया। वहीं शाम को भव्य महाआरती निकाली गई। पूरे दिन के आयोजन में बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक मासूम की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार बजरिया वार्ड निवासी अहरवार परिवार की बालिका किरण अहरवार पानी से भरे गड्ढे में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बालिका की मौत हो जाने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना रहा। मालूम हो कि पानी से भरे ताल तलियों तथा डबरों में डूबने का खतरा बच्चों को होता है, जिससे जरा सी लापरवाही मौत का कारण बनती है। इसके बाद भी असावधानी होने से यह घटना हो गई। पुलिस ने मार कायम कर मामले को जांच में लिया है। दमोह डाक विभाग में पदस्थ एक युवती का चयन वन सेवा परीक्षा में हुआ है। जानकारी के अनुसार यहां पर पदस्थ श्वेता सह ने मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी, जिसके बाद उसका चयन होने के बाद सहायक वन संरक्षक के पद पर पदासीन किया गया था। डाक विभाग में कार्यरत कर्मचारी का इस प्रकार से प्रदेश की बड़ी परीक्षा पास हो जाने के बाद चयनित होने पर साथी कर्मचारियों ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले मकानों की सूची के अनुसार उनका निरीक्षण भी किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत ग्राम नरसिंहगढ़ में पात्र हितग्राहियों की सूची के अनुसार उनके घर जाकर वहां पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान महिला बाल विकास अधिकारी संजीव मिश्रा के साथ उनकी टीम यहाँ पर सर्वे करती नजर आई। हमने आज प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे का निरीक्षण किया, घर घर जाकर किया है। हमने ये भी देखा कि उनके पास आवश्यक पात्रता है या नहीं है, वो यहाँ के निवासी हैं या नहीं है, साथ में क्या वास्तविक स्थिति को लाभ देने योग्य हैं या नहीं है, उसकी हम अपनी रिपोर्ट बना के जिला स्तर पर सबमिट कर देंगे और तदनुपरांत इस पर क्या कार्रवाई होगी जिला स्तर से निर्णय होगा। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल चौबीसी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।